हाय किड्स, हाउ आर यू ऑल। मैंने आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन सिखाया ना, हमने एक पढ़ा, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। ओके, माय नेम इज़ जॉय। मेरा नाम जॉय है। माय अंकल मॉबी लिव्स इन अ फार्म हाउस। मेरे अंकल मॉबी फार्म हाउस में रहते हैं। आई लव टू गो देयर इन हॉलीडेज। मुझे हॉलीडेज़ में वहाँ पर जाना अच्छा लगता है। देर आर मैनी एनिमल्स इन हिज फार्म हाउस। उनके फार्म हाउस में बहुत सारे एनिमल्स हैं। देर आर टू काउस एंड अ काफ। वहाँ पर दो गाय और एक काफ यानी गाय का बच्चा है। देर इज़ अ हॉर्स एंड अ मेयर। वहाँ पर हॉर्स और उसका बेबी भी है। There are three pigs and two piglets too. वहाँ पर three pigs और two piglets. Piglets means pig के babies भी हैं। There is a beautiful pond in the farmhouse. वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत pond भी है। There are three ducks in the pond. वो pond में तीन ducks हैं। Small chicks are there with a hen. छोटे छोटे चिक्स वहाँ पर हैन के साथ है। चिक्स यानि हैन के जो बच्चे, मुर्गी के जो बच्चे होते हैं उसे चिक्स कहते हैं। अ विंड मिल इज़ ऑल्सो देयर इन द फार्म हाउस। वो फार्म हाउस में एक विंड मिल भी है। नाउ क्लियर ऑल ऑफ यू। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बॉय इन द पैसेज। अभी जो हमने पैसेज पढ़ा, वो पैसेज में बॉय का नाम क्या है। द नेम ऑफ द बॉय इन द पैसेज इज़ जॉय। हमने ऑलरेडी पूरा पैसेज रीड भी किया और समझा भी, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉयस अंकल। जॉय के जो अंकल हैं उसका नेम क्या है। द नेम ऑफ जॉयस अंकल इज़ अंकल मॉबी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। वेयर डज अंकल मॉबी लिव। अंकल मॉबी कहाँ रहते हैं। अंकल मॉबी लिव्स इन अ फार्म हाउस। अंकल मॉबी फार्म हाउस में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज जॉय गो टू द फार्म हाउस। जॉय फार्म हाउस कब जाता है। जॉय गोज टू द फार्म हाउस इन हिज हॉलीडेज। जॉय अपनी छुट्टियों में फार्म हाउस जाता है। हाउ मैनी काउस आर देयर इन द फार्म हाउस। फार्म हाउस में कितनी काउस है। काउस यानी गाय। देयर आर टू काउस इन द फार्म हाउस। हाउ मैनी हॉर्सेस आर देयर इन द फार्म हाउस। फार्म हाउस में कितनी हॉर्सेस है। देयर इज़ वन हॉर्स इन द फार्म हाउस। फार्म हाउस में वन हॉर्स है। हाउ मैनी पिगलेट्स आर देयर इन द फार्म हाउस। फार्म हाउस में कितने पिगलेट्स हैं। देयर आर टू पिगलेट्स इन द फार्म हाउस। फार्म हाउस में टू पिगलेट्स है। इज देयर एनी पॉन्ड इन द फार्म हाउस। क्या फार्म हाउस में कोई पॉन्ड है। Yes, there is a pond in the farmhouse. हाँ, फार्म हाउस में पॉन्ड है। Which animal is there in the pond? पॉन्ड में कौन सा एनिमल है। There are ducks in the pond. पॉन्ड में ducks हैं। How many windmills are there in the farmhouse? फार्महाउस में कितने windmills हैं। There is one windmill in the farmhouse. Farmhouse में वन windmill है। तो देखा बच्चों, अगर हम comprehension ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो इसके question answers हम बहुत ही easily solve कर पाएंगे। Okay students, clear all of you? Thank you.